हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नर्सरी से एक लाएं और घर पे अनेक बनाएं। ये हम जब भी नर्सरी से प्लांट लेने जाते हैं तो हमें ऐसा पौधा चुनना चाहिए जो हम घर आने के बाद उसमें से कई सारे प्लांट्स बना सकें। जैसे मैंने इस प्लांट के साथ किया, मैं जब नर्सरी से ये वाला प्लांट लेके आई, ड्वार्फ स्नेक प्लांट इसको बोलते हैं, सेंसिवेरिया, तो इसमें बहुत सारे साइड में भी प्लांटलेट्स निकले हुए थे। और ये मैंने इस घर आके और मिट्टी से इसको अलग करने के बाद, ये देखिए मैंने इसके कुछ अलग निकाले हैं प्लांट्स जिनको मैं अलग गमले में लगाने वाली हूँ। तो ये एक प्लांट 100 रुपीज़ का मुझे मिला और इससे मैं कम से कम 5 प्लांट्स, मतलब गमले तैयार कर सकती हूँ। और टाइम के साथ इसमें से और साइड से प्लांटलेट्स निकलते रहते हैं और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप नर्सरी जाएं तो एक ऐसा पौधा आप चूज़ करें जिसमें साइड से और प्लांट्स हों जिनको हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकें घर पे। तो अब ये मैं 100 रुपीज़ का लाई हूँ, अगर मैं इसमें से 5 प्लांट्स बनाती हूँ, 5 गमले रेडी अगर मैं करती हूँ, तो मुझे 20 रुपये का एक प्लांट पड़ता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा एक गमला तैयार हो गया है, मैंने इसमें 3 प्लांट्स लगाए हैं। उसमें से निकालने के बाद 3 प्लांट्स एक गमले में मैंने लगाए हैं और अभी इसमें 5 प्लांट्स दूसरे और बचे हुए हैं जिनको हम 2 गमले में और लगा सकते हैं। तो 100 रुपीज़ का मेरे को 3 गमले तैयार कर सकती हूँ मैं। तो आप भी इसी तरह से करें, किफ़ायती पौधे घर लाएँ।